मौको मिले लोकसभा में ओ वठल शपथ वठल तरी मुझे मन में बई गाल हलन पे कि हिंदी में वा संस्कृत में वा कि सिंधी में वा पर मुख्य लगो कि नंढे हूँ ये कि सिंधी असा गाली खपे सिंधी असा शेड्यूल में भी आ अठी भाषा में तो छो न सिंधी में शपथ वूँ ओमल जड़ी शपथ वा पो शपथ वाल ये शुरू कर कि शंकर लालवाणी तो सामूँ असा वेठा विपक्षी दल जहाँ मूँ सोनिया गांधी राहुल गांधी जो भी चाहिए कड़ी भाषा है एक दफो न टे दफा पुछो कड़ी भाषा है अगर तुम यूट्यूब से मुझे वो शपथ बुझी हुए तो मुझे टे दफा चढ़ पो सिंधी 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 तभी उन्होंने खबर पे कि सिंधी भी कुछ है तो पार्लियामेंट में पहले दफो सिंधी में ओथ वठण जो मुख्य मौको मिलो यो इन करे कि सिंधी भाषा बोली जिंदा रहे हाल ही में अस हेमू कालाणी जो जन्म शताब्दी सेंचुरी है तो ले 100 साल थी अस दिल्ली में एक वो कार्यक्रम करे जैमें सजे मुल्क जहाँ मानू इत आया छोक असार खबर ना है कि आज़ादी के आंदोलन में अस सिंधियों जो भी योगदान हो घट खबर आसा के भी घट खबर आ जी मैं लोकसभा की लाइब्रेरी में गोल्ड वायम कि सिंधी घना शहीद थे तड़ी उते लिटरेचर भी ढो घट हो छोक अस उमल जड़ी लडे आयासे तो सब उत छे आयासे सब उमल से खबर आ कड़ा हालात हुआ जी आयन वेठा 80 साल 90 साल वो बुधाइन तुके चारों तरफ मुख्य ध्यान दादा दादा बुधाइंदा दादे की गाल कि अस घर के आसे पास सब उन घेरे वरतो अस पानी की कनेक्शन कटे छ्या नल कनेक्शन कटे छ्या दुकान जलाए छ्या तो ये असि नई पीढ़ी खबर पड़ो खे कि जब विभाजन थो उमल कड़ा हालात हुआ अज मुख्य राजपाल जी चन पे अस सिंधी राजनीति में अचन ही ना चौंस कि अस सब कुछ उत छे आयासी अस पेरी प्राथमिकता हुई अस घर बार रोज बार घर पढ़ाई कम धंधो अस राजनीति में रुचि नी थे सिंध में भी अस मू राजनीति में घट रुचि बढ़ा हुआ अगर सिंध में उमल राजनीति में अस मू रुचि वन तो कश्मीर या कश्मीर इतने भी आ पाकिस्तान में भी आ बसा थे पंजाब इतने भी आ उत भी आ बंगाल इतने भी आ उत भी आ सिंध तो सजो उत हली वो अगर उमल अस नेता होजन तो कुछ तो सिंध वी अचन आ पर यह अस कमी रही पर हाँ मैं चवंदम कि हाँ समाज में जागृति आई है तो तुम सामाजिक स्तर तक तो सुठा कम इतने कर पर राजनीति में भी अग्या अचो राजनीति में अचण जरूरी है समाज सेवा ला राजनीति जरूरी है ये राजनीति में अचण के अस समाज की देश की सेवा कर सकता हूँ यो मैं चवण चाहें तो एक गाल भी चवंदम कि अस इतने आयु सही पर कुछ अस भावर भेनर अ पाकिस्तान में भी आई एन हालत ढी खराब है मैं लोकसभा में यह गाल रखी कि जो पाकिस्तान सिंध में अस भावर भेनर रहन था पाया उन हालात सुधारण ला अस कुछ करण खपे उते एक धर्म परिवर्तन कह मिया मिट्टू नालो है उन ये जान होने खे सभी के मां लोकसभा में उन्हें नालो चे कर कि उतार जो को मिया मिट्टू आ उन नवा पुट वो सब मिली कर उते धर्म परिवर्तन कहता न्याणियों के अड़ा केस इन हर साल 10,000 न्याणियों के धर्म परिवर्तन उतना यहाँ लोकसभा में ना यूएनओ में भी यह गाल खी था कि जो पाकिस्तान में असा सिंधी भावर रहन था उन हालात सुधरण खपन इन लाइन सभी के जागृति भी लगनी खपे अस इतने तो खुश हूँ लेकिन उतार जो हालात हैं मुख्य रोज पाकिस्तान में कोई वीडियो कोई मैसेज उतार इन कि अस परेशान अस कोशिश कदा कि जी मदद थी सके अस उन क्यों पर ये तक भी जान अगर पे तो तुम बुझाज अस उन मदद कदे तो सिंधी जिते भी हुजन खुशहाल हुजन अस मिली कर एक बेजो मदद क्यों ये मुझे इन सब से चवण तुम इतने अची कर मुख्य सुठो लगो जो तो तुम कि एक ढी ला बटे ढी रहना खपन तो अगली बार मैं जरूर आयम तो बटे ढी सभी का मिली करे मिली जुली कर वेदम पर मुझे ढो सुठो लगो तक मिली कर कार्यक्रम सुणा तक क्या पाया सभी के निमाणी वेनती भी कदम कि तुम कभी दिल्ली अचो तो तला 24 कलाक अस दरवाजा खुलल दिल्ली में भी एक सिंधी ला ऑफिस अलग ठाई है इंदौर ला तो ठाई है छोक इंदौर में तो जनप्रतिनिधि आया उन पेरों हक है इंदौर वारों उन लाइ तो ठाई है पर जो मुल्क में मुल्क के बाहर जो सिंधी रहन था उन भी दिल्ली में एक ऑफिस आ कहीं भी तुम इंदौ 24 कलाक तुम भाव उत मिल मिलम तो अस ऑफिस में केर मिलो तुम कम थी
तो मां इन्हीं अवसर से कि तड़ो सुठो कार्यक्रम आयोजित किया सभी बानीगार के वाधा दिंदुम ए यो विश्वास है कि सिंध तया मेला अग्या भी लगता। जय झूलेलाल, जय जय सियाराम, जय सियाराम।